अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद तैयब और आप देख रहे हैं केमिस्ट टाइम। आज की जो वीडियो है उसका स्पेशली ताल्लुक है 10th और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के साथ। तो इससे इसके बाद हम डिस्कस करेंगे 9th और 1st ईयर के तुलबा को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 10th और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स के बारे में। 10th के जो स्टूडेंट हैं वो 9th से प्रमोट होकर 10th में आ चुके हैं और 2nd ईयर वाले जो स्टूडेंट हैं वो 1st ईयर से प्रमोट होकर अब 2nd ईयर में आ चुके हैं। ये इन दोनों क्लासेस के स्टूडेंट जो मार्क्स हैं, टोटल मार्क्स जो हैं वो 1100 हैं। यानी जैसा कि आप स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा है आपको कि 1100 मार्क्स हैं टोटल 10th के भी और 2nd ईयर के भी। आप लोगों के पास ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस बार। कैसी अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि आप लोग जो है वो मेहनत एक क्लास की करेंगे लेकिन आपको जो सिला है, जो रिवार्ड है, वो दो क्लासेस का मिलेगा। अच्छा, वो कैसे? जैसा कि बोर्ड जो है वो इस बात का ऐलान कर चुका है कि वो स्टूडेंट्स यानी जो 10th में जितने भी नंबर लेंगे 10th वाले स्टूडेंट, उतने ही उनके नंबर जो है वो 9th के ऐड हो जाएंगे। और 2nd ईयर के स्टूडेंट्स 2nd ईयर में जितने मार्क्स लेंगे उनके उतने ही नंबर क्या होंगे, 1st ईयर के भी ऐड होंगे। ताहम प्रैक्टिकल आप लोगों को देने ही पड़ेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर आप मेहनत करके उसमें भी बड़े अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। लेकिन अब आपने फ़ायदा कहाँ उठाना है? फ़ायदा अब आपने जो उठाना है वो आपने 10th के अंदर देखिए, जो 10th वाले स्टूडेंट हैं अगर सपोज़ वो लेते हैं, आपके पास बहुत टाइम पड़ा है आपके पास अभी। और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आप तैयारी कैसे करें, लॉकडाउन है, घर में रहकर आप कैसे अच्छी तैयारी कर सकते हैं। अगर सपोज़ आप जो है वो 470 मार्क्स ले लेते हैं कि आपने जो है वो 10th में से 470 ले लिए मार्क्स, तो आपके 9th में भी सारी बात है कितने ऐड होंगे, 470, तो आपके ये कुल मिला के 940 हो गए मार्क्स। कितने हो गए? 940। इसी तरह 2nd ईयर वालों के हैं, अगर 2nd ईयर वाला कोई भी बच्चा जो बड़ी आसानी के साथ मेहनत करके कितने मार्क्स ले सकता है, 470 मार्क्स ले सकता है 2nd ईयर में, और 1st ईयर के उसके नंबर भी इतने ही ऐड हो जाएंगे, तो उसके भी टोटल कितने बन जाएंगे, 940 मार्क्स बन जाएंगे। अब आपको करना क्या, अब देखिए 940 मार्क्स हो गए कैसे, क्योंकि आपने 470 मार्क्स लिए सपोज 2nd ईयर में से और इतने ही 1st ईयर के ऐड हो गए। इसी तरह 10th के बच्चे ने जो है 470 मार्क्स लिए 10th में से और उसके 9th में भी जो है वो 470 मार्क्स ऐड हो गए, तो 940 आपके बन गए टोटल। 10th वाले के भी 940 बन जाएंगे और 2nd ईयर वाले के भी 940 बन गए। अब आप प्रैक्टिकल में से, अगर आप सपोज प्रैक्टिकल में से आप 80 मार्क्स भी ले लेते हैं, 80 मार्क्स भी अगर आपने प्रैक्टिकल में से ले लिए, तो आपके कितने हो जाएंगे, आपके जो है 940 ये और 80 मार्क्स आपके, वो आपके जो है वो 1020 मार्क्स हो जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। अगर आप 10th में 1040 मार्क्स और आप 2nd ईयर में भी 1040 मार्क्स ले लेंगे, यानी 1040 नंबर आप ले लेंगे, तो ये आपके अच्छे नंबर हैं। इससे आपके जो 2nd ईयर वाले तुलबा हैं उनकी जो है वो मेडिकल कॉलेजेस में जाने वाले बच्चे जो हैं, जो मेडिकल के बच्चे हैं और जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं उनके मेडिकल उनके जो है वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में जाने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो लिहाजा आप जो है वो आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट करें, डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम जो है वो वेस्ट ना करें। तो अब आप जो है वो घर बैठ कर तैयारी कैसे कर सकते हैं? अभी जो 10th वाले तुलबा हैं वो भी जो हैं वो घर बैठे, अभी देखिए 9th वाले तुलबा जो हैं, 10th वाले हैं, 1st ईयर वाले, 2nd ईयर वाले तुलबा जो, आप घर बैठ के क्या करें? आपके देखिए मैं सामने यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स आपको दिखाऊंगा जिनसे आप बड़ी आसानी के साथ अपनी क्या कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। सबसे पहले जो वेबसाइट है ना आपके लिए हेल्पफुल, वो है www.sabak.pk। ये ऐसी वेबसाइट है जिस पे आपको जो है 9th, 10th, 1st ईयर, 2nd ईयर की तमाम सब्जेक्ट की वीडियोस आपको क्या करेंगे, मिलेंगी। और आपको ये आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कैसे आपने ये वेबसाइट पे जाना है, वहाँ से जाकर आपने ये जो है अपनी जो है वो रिलेटेड जो है वो अपनी सब्जेक्ट जो है वो 9th का या 10th का, 1st ईयर, 2nd ईयर का, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, बायो है, वो आपने क्या करना है, उस सब्जेक्ट को ओपन करना है। आगे फिर जो है वो उसके जो है वो चैप्टर वाइज हर लेक्चर जो है वो दिया गया, आप उन लेक्चर्स की क्या करें, अच्छी तरह से क्या करें, तैयारी करें। और इसके अलावा जो है आप अगर आप केमिस्ट्री जो है वो समझना चाहते हैं, तो हमारा जो चैनल केमिस्ट हट है इस पर भी हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं 10th की और 2nd ईयर की, 1st ईयर की, तो उनको आप देखें, उनके लेक्चर्स को आप समझें, तो आप घर बैठ के। और एक देखें जो टैली स्कूल है, गवर्नमेंट ने एक चैनल जो है टैली स्कूल के नाम से बनाया हुआ है, तो ये
ये केबल पर भी आता है और ये टेलीविज़न यानी पीटीवी पर भी आता है जिनके घर केबल नहीं है, तो आप अपने अपने शेड्यूल के मुताबिक इन चैनल्स को देखें और देखकर आप अपने मुताबिक जो है ना अपने टाइम शेड्यूल के मुताबिक जो है आप लेक्चर जो है वो सुनें। तो स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट ना करें काइंडली, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप वो वाहद स्टूडेंट होंगे। देखिए आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि बच्चों ने बगैर पेपर दिए बच्चे 9th से 10th में हो गए हों और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में हो गए हों और आप मेहनत एक क्लास की करेंगे लेकिन आपको जो रिवार्ड है वो 2 क्लासेस का मिलेगा। तो अपना टाइम जो है वो स्टूडेंट्स वेस्ट ना करें, अपनी तैयारी जो है अभी से शुरू करें ताकि आप जो है ना आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। आई होप कि आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। स्टे कनेक्टेड विद द केमिस्ट एंड अदर वेबसाइट्स फॉर योर ई लर्निंग क्लासेस। थैंक यू।